हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास या यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे 24 जनवरी करंट अफेयर वीडियो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर चैनल पे अभी नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुँचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? तो किस देश ने किया है? तो वो किया भारत ने। किसने? भारत देश ने। मूलतः HCFC 141B का इस्तेमाल फोम के निर्माण में किया जाता है। इसे कठोर पॉलीफ्यूरीथेम फोम के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारत ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने वाली पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी को अपनाने का रास्ता चुना है। इस पहल के साथ ही भारत ने उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो गैर ओजोन संरक्षण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें, जिससे वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रित किया जा सके। आगे देखें क्वेश्चन दो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो कितना? तो वो दिया 6 माह की। कितनी? 6 माह की। केंद्र मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने आयोग के मौजूदा कार्य क्षेत्र में अनेक बिंदु को जोड़ने की भी मंजूरी दी है। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों और किसी भी पुनरावृत्ति अस्पष्टता विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों को सुधारने की सिफारिश करना भी इसके अंदर शामिल है। आगे देखें क्वेश्चन तीन। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला 91वां। कौन सा? 91वां। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक्स ग्रुप द्वारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की ओर से जारी 2019 की सूची में भारत को 91वां स्थान मिला है। वैश्विक लोकतंत्र की सूचकांक में भारत को पिछले वर्ष की तुलना में 10 पायदान नीचे आया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में नागरिकों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की स्थिति 1 वर्ष में कम हुई है। इस सूची में चीन 153वें स्थान पर है, जबकि नॉर्वे शीर्षक पर और उत्तर कोरिया सबसे अंतिम 167वें स्थान पे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन चार। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 23 जनवरी को। किस को? 23 जनवरी को। 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस की जो 123वीं जयंती मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। इसके बाद जापान में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो भी आरंभ किया। यह माना जाता है 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 18 अगस्त जो 1945 को विमान दुर्घटना हुई थी, उनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो वो किया नाइजीरिया। कहाँ पे? नाइजीरिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरिया का जो राष्ट्रपति है महमूदो इसाफो ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर अफ्रीका में प्रारंभ किया गया पहला इनोवेशन सेंटर है। यह इनोवेशन सेंटर एक विशाल आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है। एस जयशंकर भारत के पहले विदेश मंत्री है जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की है। इससे पहले किसी भी विदेश मंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा नहीं की है। अब देखें क्वेश्चन छः। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? तो किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम के द्वारा। ये रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक असमानता का कारण अत्यधिक गरीबी और अधिकतम धन पर कुछ लोगों का नियंत्रण होना है। वर्ष 2019 में पूरे विश्व में 2153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन लोगों से अधिक संपत्ति है। ऑक्सफैम एक प्रमुख गैर लाभकारी समूह है जो 19 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ
है। ऑक्सफैम की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। जो आज का सवाल आपके लिए, जिसका नीचे आपको राइट क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपका आंसर राइट रहता है तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत की शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति जारी करता है? आपके लिए ऑप्शन है, वह पीएमओ, एनजीओ प्रथम, नीति आयोग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। आपके जो भी राइट आंसर है, नीचे राइट बताने की कोशिश करें कमेंट के द्वारा। अगर आपका राइट आंसर रहता है तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है आपको बताना है। जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, भारत को उसमें कौन सा स्थान मिला है तो आपको बताना है। तो मिला है 52वां, सॉरी 80वां। यह सूचकांक दुनिया के देशों की तरक्की ने अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की क्षमता के आधार पर तैयार किया है। इस आधार पर रैंकिंग की जाती है। वैश्विक प्रतिभा के मामले में प्रतिभा को मापने वाले इस सूचकांक की दुनिया के 132 देशों को इसमें क्या है शामिल किया जाता है। पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया? और इसका राइट आंसर है K9 वर्ज को। किसको? K9 वर्ज को। और इसके सही देने वाले जो आंसर के विजेता हैं वो है गौतम कुमार, महेंद्र कुमार, संदीप कुमार, शिवाजी, अंकित कुशावा जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।